फोर को स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है मैट्रिसेस। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? भाई कोई खुल ले यार, क्या मसला है, तीन तो बच्चे हैं। अबे मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कुछ याद है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको भाई, काइंडली जो है वो थोड़ा सा जो है वो हाँ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड रोज एंड कॉलम, बहुत प्यारी बात कर दी है मैंने बेटा आपने। सही है, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। सही है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट रोज और कॉलम के अंदर जो है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। विद स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वन और टू, ये आपके पास रॉ है, ये भी रॉ है। सही है, अगर हम कॉलम की बात करें तो वर्टिकल जो है वो आपके पास कॉलम है, वर्टिकल लाइन, मतलब ये आपके पास कॉलम है। सही है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की कुछ चीजों की बात करूं तो ये चीजें हम मैट्रिक्स में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। ये जो लाइन है इसको हम डायगनल कहते हैं, इसका एक नाम था, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगनल, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगनल। सही है, इसी तरीके से अब आपके पास जो दूसरा डायगनल है, ये डायगनल, इसको हम कहते हैं फॉलोइंग डायगनल। सही है, या फिर सेकेंड डायगनल कहते हैं। सही है, तो ये नाम आपको खास तौर पे याद रखने पड़ेंगे, इसको हम डायगनल कहते हैं। अच्छा, मैं बात करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस की टेबुलर फॉर्म की। ये मैट्रिक्स की टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए आई जे और नीचे लिखा हुआ है थ्री थ्री नहीं कह, टू कॉमा टू, तो इसका मतलब क्या है? ये अभी टैबुलर फॉर्म में नहीं है, ये दूसरी फॉर्म के अंदर मौजूद है। इस फॉर्म का कोई खास नाम नहीं है, इसमें ए आई जे लिखा हुआ है। ए आई जे का मतलब क्या है? सही है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है इस मैट्रिक्स में मौजूद एलिमेंट को, कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली ए है। सही है, अब उसके साथ ये आपके पास जो आई लिखा हुआ है, ये आई हमें बता रहा है किस चीज को, पोजीशन को, पोजीशन ऑफ रॉ। और ये जे हमें बता रहा है पोजीशन ऑफ कॉलम को। सही है, तो आई पोजीशन ऑफ रॉ, जे पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो टू कॉमा टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है टू बाय टू ऑर्डर, मतलब ये नंबर ऑफ रॉज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर दो रॉज दो कॉलम्स हैं। इसकी हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, हम क्या करेंगे, टू बाई टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ए होंगे, आप सब जगह पर ए लिख देंगे। सही है, अब बच्चों ए लिखा हुआ है, इसके आगे जो आई जे लिखा हुआ है ना नीचे, वो आई जे की जो वैल्यू है ना वो हर पोजीशन पर चेंज होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में ये जो ए दिख रहा है, ये ए किस पोजीशन पर मौजूद है, ये ए फर्स्ट रॉ में मौजूद है, ये आपकी फर्स्ट रॉ है। सही है, और ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम। तो ये जो ए था, ये ए फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए वन वन। ए वन वन का मतलब फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं इस नंबर की, तो ये फर्स्ट रॉ में मौजूद है, कौन से कॉलम में मौजूद है, ये सेकंड कॉलम में मौजूद है, तो मैं लिखूंगा इस पे ए वन टू, मतलब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम।
नीचे अगर हम आ जाए तो ये जो ए दिख रहा है नीचे वाला, ये किस रॉ में मौजूद है? ये सेकंड रॉ में, ऊपर वाली फर्स्ट रॉ और ये हमारा सेकंड रॉ। तो ये नीचे वाला जो ए है ये सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम में मौजूद है। तो सेकंड रॉ मतलब 2, फर्स्ट कॉलम का मतलब 1। तो ये जो नंबर है ये कौन सी पोजीशन पर है? ए 2 1। इसी तरीके से ये जो नंबर दिख रहा है आपको, मतलब ये जो एलिमेंट ए दिख रहा है, ये एलिमेंट कहां पर मौजूद है? सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में मौजूद है। तो हम इसको कहेंगे ए 2 2। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। इसी से रिलेटेड 2-3 सवाल और देखते हैं ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। एक मैट्रिक्स है वाई जिसके अंदर कहा जा रहा है एक्स आई जे, और कहा जा रहा है इसके अंदर 2 रॉस 3 कॉलम। तो इसका मतलब है आपको जो आप मैट्रिक्स बनाना है उस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रॉस होंगी 3 कॉलम होंगे, सब जगह पर क्या होगा? एक्स होगा। सही है, तो मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब मैं देखूं तो यहाँ पे 2 रॉस है और 1, 2, 3 कॉलम है। तो 2 रॉस और 3 कॉलम्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब बेटा अगर हम पहली वैल्यू की बात करें इस एक्स की, तो ये एक्स कहाँ पर मौजूद है? ये आपके पास जो रॉ है ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है। अगर हम इस कॉलम की बात करें तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ये पूरा का पूरा आपके पास सेकेंड कॉलम है, और ये पूरा आपके पास थर्ड कॉलम। तो आपके पास वाई बराबर हो जाएगा एक्स फर्स्ट रॉ में मौजूद है, ये फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, ये तो एक्स 1 1, ये वाला एक्स फर्स्ट रॉ में है सेकेंड कॉलम में है, तो इसका मतलब एक्स 1 2, रॉ पहले आएगी कॉलम बाद। ये जो एक्स है ये फर्स्ट रॉ में है और थर्ड कॉलम में मौजूद है, मतलब एक्स के पास यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे ये 3 आ गया। इस एक्स की बात करें तो ये रॉ आपके पास कौन सी है? ये पूरी की पूरी रॉ सेकेंड रॉ है, तो ये एक्स सेकेंड रॉ में है, तो यहाँ पे जितने भी एक्स आएंगे उनके साथ 2 तो आएगा क्योंकि सेकेंड रॉ है। कॉलम की बात करते हैं, ये वाला जो एक्स है मतलब ये वाला एक्स ये फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो ए एक्स 2 1 हो गया। ये आपके पास सेकेंड कॉलम में मौजूद है ये एक्स, तो ये 2 2 हो गया। ये आपके पास थर्ड कॉलम में मौजूद है तो ये 2 3 हो गया, मतलब ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। यहां तक किसी को कोई मसला कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें मुझसे। टेबुलर फॉर्म बनाना आ गई सबको? हाँ मैं था बेटा, क्या वो सो रहे हैं? हरीब अरे यार माइक खोल लो, क्या हो गया, क्यों शर्मा रहे था? चलो भाई आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। वही टाइप्स हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हैं। फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, आपके पास रॉ मैट्रिक्स। क्या होता है ये रॉ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कंटेन ओनली 1 रॉ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर रॉ जो है वो सिर्फ एक है, ये फर्स्ट रॉ है। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 3 आपके पास कॉलम्स हैं लेकिन रॉ एक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1/3। सही है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/3, मतलब इसके अंदर 1 रॉ 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, ये भी कह सकते हैं हम।
इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक रॉ है, एक रॉ है इसके अंदर, एंड कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, इसके अंदर दो कॉलम्स हैं। इसकी बात करें तो इसके अंदर एक रॉ है एंड 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं। तो बेटा अगर एक रॉ है सिर्फ, कॉलम जितनी भी हो जाएं, ऐसे मैट्रिक्स को हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। टाइप टू की बात करते हैं, दूसरी टाइप है, इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने है, ये एक रॉ है, ये दूसरी रॉ है, लेकिन इसके अंदर कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 rows 1 column, मतलब 2 by 1 ऑर्डर है। इसका क्या है, एक कॉलम है पूरा, कितनी रॉज है, 1, 2, 3 रॉज है, तो 3 rows 1 column। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स की, तो उनकी एक जर्नल ऑर्डर भी है उनका, जो अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं 1 by n ऑर्डर, और इसको कहते हैं m by 1। सही है, 1 by n का मतलब है पहला जो नंबर है रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉलम है, तो इसका मतलब है कि ये किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है कॉलम रॉ मैट्रिक्स का। तो ये ऑर्डर है आपके पास रॉ मैट्रिक्स। यहां पर आ जाए तो आपके पास सिर्फ एक कॉलम है, सही है, एम रॉस का मतलब है रॉस की तादाद, एक भी हो सकती, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये एमसीक्यू के अंदर जो है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। यहां तक कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? जी अमन बेटा, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके जो है वो आप बिल्कुल बात कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने हैंड रेस करा था, मैं समझ गया आपको माइक ऑन करना, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, अब हम थर्ड टाइप पे चलेंगे इसकी। टाइप नंबर 3 पे हम चलते हैं, जिसका नाम है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल बखूबी आप लोग इससे वाकिफ हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स विथ सेम नंबर ऑफ रॉस एंड कॉलम्स, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स की, मतलब नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर हो, उनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। तो मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स में यहां लिखता हूं, अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 1, 2 rows हैं और कितने कॉलम्स हैं आपके पास, 2 columns हैं, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। तो नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, 2 rows 2 columns हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और 2 by 2 ऑर्डर का तो मैट्रिक्स आप लोग मैट्रिक के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है तो ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर 1
दो, ये तीन रॉज हैं। कॉलम की बात करें अगर हम तो एक दो तीन कॉलम्स हैं, मतलब इसका ऑर्डर है 3x3, 3 रॉज 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आपको दिखने में भी लग रहा है कि ये जो शेप है ये शेप एक स्क्वायर का शेप है, इसीलिए इसका नाम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स रखा गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं टाइप 4 की, जिसका नाम है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक मैट्रिक्स बना लिया जैसे कि सही है। अब इसकी बात करें अगर हम तो इसके अंदर सिर्फ एक रॉ है और इसके अंदर जो है आपके पास तीन कॉलम है। यहाँ पर आ जाएगा आप तो एक दो तीन, मतलब एक दो तीन रॉज हैं और आपके पास दो कॉलम हैं, तो 3x2 ऑर्डर है इसका। तो जो रॉज की तादाद है और कॉलम्स की जो तादाद है ये दोनों की दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है। क्लियर है यहां तक टाइप्स? कोई इशू? नो इशू। सही, आगे चलते हैं। टाइप 5 की बात कर रहा हूं मैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हूज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं इन दी मेन डायग्राम। इस कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स। सही है। तो अच्छा बेटा, खाली मैट्रिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर मेंशन करना लाजमी है, दिखाने में। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हिज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगनल। मेन डायगनल के एलिमेंट्स को छोड़ के तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें अगर हम तो इस मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ दें तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये लीडिंग डायगनल है, इसके एलिमेंट्स को हम डायगनल एलिमेंट्स कहेंगे। तो लीडिंग डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दें अगर हम तो उनको छोड़ के बाकी तमाम वैल्यू जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। कुछ और बातें बतानी है मुझे यहाँ पर, जैसे कि एमसीक्यू के अंदर आता है, थोड़े से ऊपर की लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ए आई जे बेसिकली क्या है मैट्रिक्स के अंदर? जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है ना वो बेसिकली ए है। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो,
फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, क्या अरबी में बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। आइए इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कहा। एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई जे, सही है। अब इस मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होगा, मैं ऑर्डर डिसाइड कर लेता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ कि इसका ऑर्डर है 3x3 ऑर्डर, तो हमें एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, सही है। पहला जो एलिमेंट है ये A11 कहलाएगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, चौथा एलिमेंट सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। ये पोजीशन बता रहा हूँ इनकी, जैसे कि टेबलर फॉर्म में बताई थी, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। अब बच्चों बात को समझिएगा, आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नंबर्स लिखे हुए आपको नंबर दिख रहे हैं ना, 1 2 1 3, 2 1 2 2, 2 3 3 1 3 2 and 3 3, ये सारे नंबर्स जो है वो बेसिकली इन सारे नंबर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे। आगे कुछ बातें लिखी हुई है, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, कह रहे हैं आई जे जब बराबर नहीं होंगे, आई जे बराबर कहाँ पर नहीं है, यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर्स बराबर है, मतलब आई जे बराबर है, आई वन है जे वन है दोनों बराबर, यहाँ पर आओ आई वन है क्योंकि पहली वैल्यू आई है दूसरी वैल्यू जे है, आई वन है और जे टू है, दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, मतलब अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू पे इक्वल नहीं है, इस वैल्यू पे दोनों इक्वल नहीं है नंबर्स, इस वैल्यू पे दोनों नीचे वाले नंबर्स इक्वल नहीं है, इस पे इक्वल नहीं है, इस पे इक्वल नहीं है, इस पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है जहां पे ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है वहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जरा आ जाइए, ये मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, यहाँ पे जीरो रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे जीरो रख दिया, इसकी जगह जीरो रख दिया, इसकी जगह जीरो रख दिया, इसकी जगह जीरो, यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, सही है। कहाँ जीरो नहीं रखना, जहां पे आई जे दोनों बराबर हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों नंबर्स इक्वल है, ये दोनों नंबर्स इक्वल है और ये दोनों नंबर्स इक्वल है। तो बच्चों अगर मैं इसमें से निकालू A11 A22 A33, इनको हम MCQ में पूछा जाता है इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं इनको, कह रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे भी A11 ही रखता हूँ, A11 A22 A33। तो हमने क्या करा, जहां पे नंबर्स इक्वल नहीं थे उनकी जगह जीरो रख दी और जहां पे इक्वल है वहां पे हमने कुछ नहीं रखा, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया बेटा, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, ये अमूमन MCQ के अंदर पूछ ली जाती है, लेकिन मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये आगे फ्यूचर में आप लोगों को काम आएंगी ये चीजें, इंटर के अंदर खास तौर पे जो कि बोर्ड का एग्जाम होता है उसके अंदर ऐसे MCQ बहुत मुश्किल होते हैं क्या, लेकिन क्योंकि किताब के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए मैं यहाँ पे उनको डिस्कस कर रहा हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा कि इसमें कोई मसला आपको, चलें अच्छी बात है आगे चलते हैं। आपके पास अब आ गई है 5-6 जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, सही है। स्केलर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे जरा, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are
इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब यहां पर आ जाए डायगोनल एलिमेंट्स जो है इक्वल है सारे के सारे। इसी तरीके से यहां पे भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, क्लास का टाइम जो है वो तकरीबन ऑफ होने पे है, कोई सवाल आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ लें, बाकी ये कि आप इन लेक्चर्स को इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, साथ साथ लेक्चर के स्क्रीनशॉट भी ले लें जो थ्योरी है ताकि आप उसको अपने पास नोट डाउन कर सके, फिर साथ साथ इंशाल्लाह जब हम सवालात करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह उसको लिखने का भी टाइम दे दूंगा कि आप उसको कॉपी कर लें, लिखने का भी टाइम मिल जाएगा तो सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। अच्छा, लाइव सेशन के अंदर ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है वो चीजें समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, समझाने के अंदर खासतौर पर, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमें एक बार हर बार समझाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप सामने तो है नहीं, वरना तो फेस एक्सप्रेशन के जरिए जो है पता चल जाता है कि हाँ क्या चीज़ समझ आई है क्या नहीं आई। खैर है, आप जो है इन चीज़ों को अब रिवाइज करते रहें, फर्स्ट ईयर का साल बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, इंशाल्लाह यही साल जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आपके डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, आपका जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है। सही है, तो बच्चों कोई सवाल इससे रिलेटेड तो बताइए मुझे आप। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।